हड़ताल का तीज व्रत की पौराणिक कथा और महत्व। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद शुक्ल की तृतीया को मनाए जाने वाले हड़ताल का तीज का व्रत हिंदू धर्म के कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत में सुहागिनी तथा कुंवारी कन्याएं पूरे श्रद्धा पूर्वक व्रत रखकर इस पर्व को उत्साह पूर्वक मनाती हैं। यह दिन शिव पार्वती के पूजन के साथ ही श्री गणेश के पूजन के लिए भी खास माना जाता है। हड़ताल का तीज की यह व्रत कथा अखंड सुहाग का वरदान देने वाली मानी जाती है। इस वर्ष यह व्रत दिन शुक्रवार 6 सितंबर 2024 को किया जाएगा। इस दिन सुहागिनी निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। यह व्रत निराहार और निर्जला रहकर किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन पूजा के दौरान हड़तालिका तीज की पावन कथा को सुनना या पढ़ना अनिवार्य है। तो चलिए जानते हैं, पर उससे पहले सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हड़तालिका तीज की पौराणिक कथा भगवान शिव ने ही माता पार्वती को सुनाई थी। इस कथा में माता पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाता है। कथा सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं कि हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर उनके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है, संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। सनातन धर्म में नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है, जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच में मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधुओं के साथ तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हड़तालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने वाली महिलाएं माता पार्वती के समान ही सुख पूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। तो यह कथा कैसी लगी आपको, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय महादेव, जय माता पार्वती।